आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है, त्रिभुज एबीसी समरूप है। त्रिभुज आर क्यू पी के, पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर तथा आर पी बराबर 16 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज के भुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर है 4/9 के, तो बीसी किसके बराबर होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें चार विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 20/3 सेंटीमीटर, बी विकल्प में 32/3 सेंटीमीटर, सी विकल्प में 6 सेंटीमीटर, डी विकल्प में 8 सेंटीमीटर। तो दिए गए चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज आर क्यू पी, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज आर क्यू पी। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ए बी की संगत भुजा यहाँ पर क्या होगी, तो आर क्यू, तो ए बी बटे आर क्यू बराबर होगा। देखो यहाँ पर ए सी की संगत भुजा क्या होगी, तो आर पी, तो बच्चों देखो यहाँ पर आर पी बराबर होगा, देखो यहाँ पर बी सी बटे क्यू पी के, ठीक है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर बच्चों देखो, साथ ही हम जानते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुज है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होते हैं उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के, अर्थात यहाँ से बच्चों देखो, त्रिभुज आर क्यू पी अथवा पी क्यू पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज ए पी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इनकी संगत भुजा। तो बच्चों देखो, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बी सी ज्ञात करना है। तो बी सी वाला भुजा, अर्थात यहाँ पर बच्चों देखो, क्यू पी बटे पी सी के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ से बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या दिया गया है, 4/9। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 4/9 बराबर यहाँ पर क्यू पी, क्यू पी हमें क्या दे रखा है, तो क्यू पी क्यू क्यू पी हमें क्या दे रखा है, देखो पी क्यू या क्यू पी हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 10/BC2, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ पर वर्गमूल 4/9 बराबर क्या हो जाएगा, 10/BC, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, 4 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 2, 9 को वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 3 बराबर यहाँ पर 10/BC। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 2 से हम 10 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से हमें बी सी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 5/15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।